नाउ स्टूडेंट्स लेटस ट्राई टू रन द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉर लूप एंड वी विल सी टे हाउ द फॉर डूप गेट एग्जीक्यूटेड अगेन जिसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ हर सेशन से पहले के डू राइट द कोड बायोर सेल्फ यानी खुद कोड लिखे उसको जब तक आप खुद एडिटर में नहीं लिखेंगे योर फियर ऑफ फिक्सिंग द बग विल नॉट गेट रिमूवड दिस इज अ साइकोलॉजिकल थिंग द मोर यू डू इट बायोर सेल्फ द मोर यू डू द प्रोग्रामिंग उसके अलावा बग फिक्सिंग का जो खौफ है वो निकालने का और कोई तरीका दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर के यू यू शुड गेट यूज टू कि बग ने आना ही आना है एरर ने आना ही आना है एंड यू शुड बी इन योर कंफर्टेबल जोन अगर एरर आ गया बग आ गया कोई मसले वाली बात नहीं है यू हैव टू फिक्स इट तो ये जो सिचुएशन uh, होती है जो ये आप पे एटीट्यूड आता है दिस विल ओनली कम थ्रू बाय डूइंग द हैंड ऑन जब तक तो खुद नहीं करेंगे अगर किसी को प्रोग्रामिंग करते हुए देख रहे हैं तो यू विल लर्न नथिंग एक्चुअली यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ तो ये जितने भी हम एग्जाम्पल्स यहां पर डिस्कस कर रहे हैं जितना भी कोड यहां पर डिस्कस कर रहे हैं अगर आप स्लाइड पढ़ लेंगे या कोड को देख लेंगे इट विल गिव यू जीरो वैल्यू इससे कोई फायदा नहीं होगा अनलेस एन एनटिल यू डू इट बाई योर सेल्फ यानी खुद से जब तक नहीं करेंगे इसका कोई फायदा नहीं होगा एंड यू विल लर्न जीरो आपको समझ नहीं आएगी जो तो आपको यह समझ आ जाएगी कि लूप होता है लेकिन खुदाना खासा एर आ गया तो देन यू विल गेट इन इन, इन पैनिक सिचुएशन तो इम्प्लीमेंटेशन करें खुद से कोड करें जो हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं नाउ लुक एट द स्क्रीन एंड लेट इस हाउ यू कैन राइट द एक्चुअल कोड इन पी एल एसक्यू एल फॉर अ फॉल रूप तो अब लगाने के लिए भी मैंने जिसने आपको बताया फॉल डूब जो है इट विल इट विल बी डिक्लेयर और used इन begin सेक्शन अब यहां पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई के नाम का डिकलेशन सेक्शन में उसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करवा दी हंड्रेड अब उसके बाद सेमी कॉर्नर फिर मैंने बिगिन का कीवर्ड लिखा और मैंने लिखा फॉर आई इन वन डॉट डॉट टेन अब यहां पर इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि जो आय है वो मैंने डिक्लेशन सेक्शन में डिक्लेयर भी कर दिए और उसको मैंने वैल्यू इनिशियलाइज भी करवा दी है जो कि हंड्रेड है लेकिन द मोमेंट आई एम यूजिंग दैट वेरिएबल इन फॉर लूप यानी फॉर आई इन वन डॉट डॉट टेन तो जो आई की वैल्यू है उसमें वन ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा वन ऑटोमेटिकली इसलिए कॉपी होगा कि ये जो वन है ये लोअर लिमिट है तो यानी लूप ने वन से स्टार्ट होना है तो फॉर द फर्स्ट टाइम वन जो है वो आई में कॉपी हो जाएगा एंड देन वैल्यू ऑफ आई विल बी कम्पेयर विद दिस अपर लिमिट मीन टेन ज वन लेस देन और इक्वल टू टेन द आंसर इज यस यानी द आंसर इज ट्रू तो अगर ये आंसर ट्रू है तो कंट्रोल रूप में आ जाएगा और मैंने यहां पर डीबीएमएस को आउटपुट डॉटपुटो लाइन लिखा है वैल्यू ऑफ आय और जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा दी है उसके बाद मैंने कोशिश की है कि आय कॉलन इक्वल टू आई प्लस वन मैंने जो कंट्रोलिंग वेरियबल था उसको मैंने फॉर की बॉडी के अंदर मैंने उसको चेंज करने की कोशिश की है लेट्स सी लेट्स ट्राई टू रन इट एंड सी के वॉट इट विल डू लेकिन जब एंड लूप में आएगा तो अगर ये इंक्रीमेंट चल गया फॉर एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू थी वन नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी टू और जब कंट्रोल वापस लूप में आया तो लूप ने खुद से एक इंक्रीमेंट कर देना ठीक है अभी हमें देखते हैं कि जो ये इंक्रीमेंट किया ये सही भी है कि नहीं अगर ये फॉर एग्जाम्पल सही नहीं है फॉर एग्जाम्पल तो फर्स्ट टाइम आई में वैल्यू थी वन नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली आई में वैल्यू होगी टू जब आई में नेक्स्ट टाइम वैल्यू होगी टू तो अगेन ये चेक होगा क्या इज टू लेस देन टेन या इज आय जो कि उसकी टू वैल्यू है लेस देन टेन और इक्वल लेस देन और इक्वल टू अपर लिमिट मीन टेन आंसर होगा ट्रू और फिर ये कंट्रोल ऑटोमेटिकली दोबारा से फॉर लूप की बॉडी में आ जाएगा एंड इट विल कीप ऑन लूपिंग अनलेस एंड अंटिल द वैल्यू ऑफ आई बिकम्स ग्रेटर देन टेन सो दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर of the for loop now to verify okay, what i'm saying it actually work or not so let us go to the editor so let me bring the code here in the editor and then we will see okay, how what this how this thing will get executed so it seem okay, not the code from there. so let me try again or otherwise we can

मैंने कोड कॉपी किया एंड आई हैव रन इट अब यहां पे मेरे पास बेतहाशा किस्म के एरर आ गए हैं तो पहला तो एरर ये नजर आ रहा है कि ये स्ट्रिंग लिटरल है तो मुझे यहां पे सिंगल कोड खुद से लगाना पड़ना है वो मैंने लगा दिया तो लेट मी ट्राई टू रन इट अगेन अब मैंने इसको दोबारा चलाया तो उसने कहा कि जी माइनस uh, का साइन है तो ओके क्योंकि दिस सीम्स टू बी एन एरर तो कमेंट के लिए दो माइनस साइन लगाते हैं तो मैंने वो एरर भी फिक्स कर दिया तो अस ट्राई टू रीड ऑन इट और देन वी लाइक टू सी ये करता क्या अब ये कह रहा है कि जो उसको लाइन सेवन है लाइन सेवन इज एंड लूप एंड लूप से पहले ओके यहां पे सेमी कॉलन मिसिंग है तो अब मैंने सेमी कॉलन भी लगा दिया तो अस ट्राई टू रीड ऑन इट एंड देन सी व्हाट इट विल डू अगेन इट इज के जी लाइन नंबर सेवन में ही एरर है हालांकि मैं लाइन नंबर सेवन को सही भी कर दिए लेकिन इट डजेंट इट इज नॉट एक्सेप्टिंग कि ये एरर सही है कि नहीं यानी फिक्स हुआ कि नहीं हुआ वो अभी तक वजह है कि ये एरर एग्जिस्ट कर रहा है तो एरर आई जा रहा है तो लेट मी ट्राई टू कमेंट इट आउट आई विल ट्राई टू कमेंट दिस लाइन एंड देन वी विल सी कि क्या ये दोबारा से एग्जीक्यूशन uh, के फेज में आता है या नहीं आता लेटस ट्राई टू रन दिस थिंग इट सीम्स ये लूप चल गया है तो वैल्यू ऑफ आई इज वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जैसे ही आई की वैल्यू इलेवन हुई है या टेन हुई है तो लास्टली एग्जीक्यूटिव वैल्यू है टेन जैसे ही आई की वैल्यू इलेवन हुई है वो लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर गया तो इस लूप की वैल्यू को या यानी आई की वैल्यू को लेटस ट्राई टू डिस्प्ले आफ्टर द लूप एंड विल सी के हमारे पास क्या वैल्यू आती है लूप की आफ्टर द लूप एंड देन वी विल सी के अब यहां पे देखें जरा कि यहां पे हमारे पास एज यानी अगर आप इसको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको चलाएंगे तो यहां पे आपके पास आउटपुट आएगी फॉर एग्जांपल जो भी आएगी, आएगी लास्ट वैल्यू थी आई की और आई की लास्ट वैल्यू थी इलेवन लेकिन यहां पर इसने इलेवन शो नहीं किया यहां देखें यहां पर इसने इसको इलेवन शो नहीं किया यहां पे इसने वो वैल्यू शो की है जो जिस वैल्यू से मैंने इसको इनिशियलाइज किया था तो ये दूसरा फर्क है कि अगर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ हुआ है तो लूप के अंदर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी फ्रॉम तो यानी जो स्टार्ट और एंड वैल्यू है लेकिन अब उसी वैल्यू को अगर लूप के बाहर एक्सेस करेंगे तो जो ग्लोबल वैल्यू थी वही आपके लिए अवेलेबल होगी तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है और अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन सेक्शन को कमेंट कर देता हूं और मैं अब कोशिश करता हूं कि मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को आउटसाइड द फॉर लूप एक्सेस करने की कोशिश करूं तो नाउ इट विल गिव मी एन एरर एरर इसलिए कि वो कह लूप के बाहर यानी यहां पे जो वेरिएबल आए है इट इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली तो इसकी जो एक्सेस है वो सिर्फ फॉर लूप के अंदर है तो अगर मैं इस डीबीएमएस बी आउटपुट को भी कमेंट कर दू नाउ लेट ट्राई टू एक्जीक्यूट इट एंड सी कि इसकी वैल्यू क्या डिस्प्ले होती है नाउ इट इज परफेक्टली फाइन तो इट्स प्रूव माई पॉइंट जो आय है वो लूप ने खुद ही डिक्लेयर की है और इसकी जो एक्सेस है वो इस फॉर लूप और एंड लूप के अंदर है बस इस एंड लूप के बाद आई एक्सेसिबल नहीं है रीजन आय ग्लोबली डिफाइन ही नहीं हुआ हुआ लेकिन जब हमने आई को ग्लोबली डिक्लेयर भी किया था डिक्लेरेशन सेक्शन में तो उसमें जो चेंजेस थी वो सिर्फ फॉर लूप की हद तक थी फॉर लूप के बाहर जब हम आए थे तो जो आई की वैल्यू थी वो दोबारा रीसेट हो गई थी जो हमारी डिक्लेशन सेक्शन में वैल्यू थी ये दूसरा बिहेवियर का फर्क है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस